पे डेस्कटॉप पीसी का असेंबलिंग, डी असेंबलिंग नहीं मतलब असेंबलिंग वाला समझेंगे, डी असेंबलिंग मतलब खोलने का बताता है, ऑलरेडी खुला हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तुमको ये ध्यान में रखना होगा असेंबलिंग के लिए तुमको क्या क्या अभी पार्ट्स का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था एक डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट्स होगा ये तुम लोगों को पता है। इससे सबसे पहले ये हो गया SMPS, ठीक है, दिस इज द SMPS। उसके बाद ये हो गया हार्ड डिस्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया रैम, ठीक है, ये रैम हो गया। और उसके बाद मैंने ये कार्ड ले लिया यहाँ पे, वाईफाई कार्ड ले लिया, तो इसका भी हमें ये सब का हम लोग आज यहाँ पे असेंबल करना सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे डीवीडी ड्राइव भी, हालांकि आजकल डीवीडी ड्राइव का इतना यूज़ होता नहीं है, फिर भी मैं ये भी तुम लोग को दिखा दूँ। यहाँ पे ये फिलहाल लगा हुआ है, इसको खोल लूँ पहले मैं डीवीडी ड्राइव को। आजकल तो सब यूएसबी टाइप का हो चुका है, ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है, अगर डीवीडी भी होता है तो उसको भी तुम कनेक्ट कर सकते हो, इसको फ्रंट साइड से निकालना पड़ता है। ये हो गया डीवीडी ड्राइव। तो ये सब हम लोग आज एक एक करके असेंबल करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है कि ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर तुमको सबसे पहले ये जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को यहाँ पे स्क्रू के थ्रू फिक्स करना होगा। मैंने ऑलरेडी ये करके रखा है, तुम देख सकते हो यहाँ पे ये एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जगह जगह पे स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू है, तो इधर में भी इस तरह से ये एक स्क्रू है। तो ये जो कैबिनेट का जो नीचे का शील्ड है उसमें होल रहता है, उसमें तुमको करना क्या होगा, इन स्क्रू को लगा के ये मदरबोर्ड को एडजस्ट करके पोजीशन में बिठा के स्क्रू को लगा देना है, तो ये मदरबोर्ड यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ध्यान में रखना है कि जब मदरबोर्ड को यहाँ पे फिक्स करोगे इस कैबिनेट के अंदर, इसका ये जो पैनल है, ये जो बैक पैनल है, ये वाला पैनल, ये इधर से मैच होना चाहिए। देखो यहाँ से ये इधर से मैच होना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। ये अपने आप से तुमको समझ में आ जाएगा जब तुम इसको मदरबोर्ड को यहाँ पे फिक्स करोगे ना, ये पैनल का कौन सा कनेक्टर कहाँ पे जाएगा तुमको समझ में आ ही जाएगा, मैच होना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये इतना मेजर इशू नहीं है, बाकी सबको समझते हैं हम लोग, अभी एक एक करके कनेक्शन को लगाते हैं। सबसे पहले देखो, अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, मदरबोर्ड लगा हुआ है, सबसे पहले जो पेरिफेरल पार्ट है वो सबको हम लोग लगा लें यहाँ पे। पेरिफेरल पार्ट मतलब यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले लगाएंगे SMPS को, ठीक है। तो SMPS के लिए यहाँ पे अलग अलग कैबिनेट में अलग अलग ऑप्शन होता है, किसी किसी कैबिनेट में SMPS को नीचे लगाने का ऑप्शन रहता है, तो इसमें ऊपर का ऑप्शन है, तो ये डिपेंड करता है, कुछ बात नहीं है, तुम देख लेना कहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखा हुआ है। तो ये SMPS को हम लोग यहाँ पे लगाने के लिए इसको इस तरह से अंदर डाल देंगे, ठीक है। और ये सारी तरह से मैच नहीं हो रहा है, मैं दिखाऊँ इस तरह से, तो देखना होगा किस तरह से ये फिट हो रहा है पोजीशन इसका। ये हो गया, ठीक है। और इधर से देख लेना है, इधर से मैच हो रहा है कि नहीं देख लेना, यहाँ से ये, ठीक है, मैच हो रहा है ना ये। चलो तो कुछ गिरा देखो, ठोक दो। अच्छा, इसको लगाने के बाद यहाँ पे एक बार बाहर से इसका स्क्रू पॉइंट है, उसको स्क्रू पे लगा देना। तो मैं इसका स्क्रू कहाँ पे है, मोटा वाला था ना, तो चलो मैं दो मोटा वाला होगा वो दे देना मुझे स्क्रू, इसको यहाँ पे मैंने, ताकि ये हिले नहीं, ठीक है। तो टेम्पोरी के लिए मैं थोड़ा इसको टाइट कर लेता हूँ, और एक इसको मैं यहाँ पे इसको लगा दूँ, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और इसको यहाँ से टाइट कर दूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे SMPS लगाया, घुमाओ तो इसको, अलग अलग भेजा को अलग पड़ोते हैं लूज को लो, कैमरा लो जा रहा है क्या, अच्छा होगा, रहने ज़्यादा टाइट करने जरूरत नहीं, हो जाएगा बाद में इसको ठीक कर लो, नहीं तो सारे बहाने खुली जाए, खुली जाए। काम हो गया हम लोग को यहाँ पे SMPS को कनेक्ट कर लेना है, SMPS को यहाँ पे लगा, तो हम लोग लगा दिया। अभी तुम लोग को पता है लास्ट टाइम मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था SMPS का अलग अलग केबल के बारे में, ठीक है। तो कौन सा केबल में कितना वोल्टेज आएगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे तुम लोग को। तो SMPS में SMPS में होता है, इसका काम क्या होता है, इसमें से AC इनपुट होगा, इधर से इसका AC इनपुट दिया जाएगा, और इधर से इन केबल के थ्रू DC आउटपुट होगा, अलग अलग वोल्टेज का DC आएगा। जैसे येल्लो में कितना वोल्ट आएगा, येल्लो में कितना वोल्ट आएगा 12 वोल्ट, रेड में कितना वोल्ट आएगा 5 वोल्ट, और ऑरेंज कलर में कितना वोल्ट आएगा, ऑरेंज कलर में कितना वोल्ट आएगा पता नहीं, देखो मैं रिपीट करता हूँ, येलो में आएगा 12 वोल्ट, रेड में आएगा 5 वोल्ट, ऑरेंज कलर में आएगा 3.3 वोल्ट, ग्रीन कलर में आएगा 5 वोल्ट, और यहाँ पे पर्पल कलर का ये जो है इसमें आएगा, ये स्टैंड बाय वोल्टेज के लिए होता है, ठीक है, ग्रीन कलर स्टैंड बाय के लिए होता है, पर्पल ऑन ऑफ के लिए होता है, पर्पल कलर में आएगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो और भी कलर है, ग्रे कलर, ये पावर गुड सिग्नल के लिए, इसको छोड़ दो अभी, ये दोनों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग ब्लू है सर, कलर में अलग अलग वोल्टेज आएगा, हाँ ब्लू में सर,
उसे अलग सिग्नल के लिए, ठीक है। और ब्लैक जो है ये ब्लैक ग्राउंड पिन है, ग्राउंड ग्राउंड कनेक्शन के लिए, नेगेटिव कनेक्शन के लिए। अच्छा यहाँ पे और एक बात है, ये तो मैंने कलर का बात बोला, अभी देखो अलग अलग यहाँ पे कनेक्टर्स है, ठीक है, देखा ना यहाँ पे अलग अलग कनेक्टर्स है। तो ये जो मेन पावर कनेक्टर हो गया, ये मदरबोर्ड का मेन ATX पावर कनेक्टर से जुड़ेगा, ठीक है, इसमें जुड़ेगा, इसमें ये जो मेन कनेक्टर है, तो इसको हम लोग वहाँ पे लगा देंगे। तो मदरबोर्ड को सप्लाई देने के लिए इसका जरूरत है, तो इसका कनेक्शन हम लोग वहाँ पे डाल देंगे। तो ये इसका इस समय लॉक है, देख लेना। तो किसी किसी मदरबोर्ड में जो मेन ATX पावर कनेक्टर होता है वो 20 पिन का होता है, और किसी में 24 पिन का। यहाँ पे ये इस तरह के, अगर 20 पिन वाला है तो उसको खोल के इस तरह से इसको लगा देना, और अगर 24 पिन वाला है तो ये इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 24 पिन का कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा इस मदरबोर्ड में फिलहाल ये जो ATX पावर कनेक्टर है 24 पिन का है, तो ये लॉक है, ये लॉक उस साइड में होगा। तो इसको आराम से इस तरह से यहाँ पे ये, ठीक है, ये मैंने इसको प्रेस कर दिया। ध्यान रखना थोड़ा कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, लूज़ होने से प्रॉब्लम होगा बाद में। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे और भी पावर केबल से, ये जो पावर केबल हो गया ये तुम्हारा आईडी डिवाइस, आईडी हार्ड ड्राइव, आईडी डीवीडी ड्राइव के लिए होता है, ठीक है, इस तरह का। और ये जो पावर केबल हो गया साटा डिवाइस, साटा हार्ड ड्राइव, साटा पावर कनेक्टर के लिए हो गया, साटा, यस, ये हो गया साटा डिवाइस का पावर कनेक्टर, ठीक है। तो मतलब साटा हार्ड ड्राइव, जैसे ये क्या है, ये कौन सा हार्ड ड्राइव है, ये साटा हार्ड ड्राइव है, आजकल तो सब साटा ही होता है, ठीक है, आईडी आजकल होता नहीं है, साटा हार्ड ड्राइव है। तो साटा हार्ड ड्राइव का, जब तुम साटा, कोई भी साटा टाइप का हार्ड डिस्क होगा उसमें, जब ये जो है बैक पैनल में देखोगे दो टाइप का इसमें होता है कनेक्टर, एक होता है पावर कनेक्टर, दूसरा होता है इसका डाटा कनेक्टर। इसके थ्रू इस हार्ड ड्राइव को पावर कनेक्शन दिया जाएगा, और इसके थ्रू इसको डाटा कनेक्शन दिया जाएगा। इसका डाटा कनेक्शन होगा मदरबोर्ड के साथ, और पावर इसको मिलेगा SMPS से। तो ये जो है दो होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं साटा, ठीक है। इसमें टोटल 22 पिन होता है, ठीक है, कितना पिन, 22 पिन होता है, तो यहाँ पे टोटल कितना पिन है, 22 पिन है। यहाँ पे 15 पिन है पावर वाला में, 15 पिन है, और डाटा में 7 पिन है, टोटल कितना पिन है, 22 पिन, ठीक है। अच्छा चलो फिर, तो अभी क्या करना है हम लोग का, SMPS का हम लोगों ने यहाँ पे इक्विपमेंट पे लगा दिया। SMPS का मेन पावर केबल कहाँ पे चला गया, मदरबोर्ड पे चला गया, इन द मेन ATX पावर कनेक्टर। अभी हम लोग यहाँ पे हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे। हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए इसमें अलग अलग स्लॉट रखा हुआ है इसमें, ठीक है, अलग अलग स्लॉट इसका बना हुआ है इसके अंदर। तो ये अलग अलग स्लॉट है, तुम देख लेना जिस पे ये मैच हो रहा है उसी पे इसको डाल देना। ये जो है कनेक्टर इनसाइड की तरह रहेगा, और इसको हार्ड डिस्क को अंदर डाल दो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में इसका हार्ड डिस्क का हम लोग इसको फिट करने के लिए इसमें इसका स्क्रू लगाने का ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, ठीक है। तो कहाँ पर देखते हैं ये पे, कहाँ पे फिट हो रहा है, ये यहाँ पे मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, थोड़ा इधर आना पड़ेगा, इधर है ना, मिला जी, वो लग रहा है थोड़ा सा, ओ हाँ ये ठीक है, चलो ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे स्क्रू मैच हो रहा है कि नहीं, देखते हैं हम लोग, इसको स्क्रू मिलना पड़ेगा, नहीं तो ये कनेक्ट नहीं होगा। स्क्रू दिखा, इसको तो नहीं दिखा, मैंने उल्टा लगाया क्या, तो मैं इसको, हाँ ठीक है, ये देखो समझ में आ रहा है, ये स्क्रू मैच हो गया ना, स्क्रू पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देना है, स्क्रू लगा देना है, ठीक है, ये वाला नहीं, थोड़ा छोटा वाला होगा, हाँ तो दिया ये वाला दिया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, स्क्रू। तो मैच हो जाए, देख लो कहाँ पे मैच हो रहा है, जहाँ पे मैच हो रहा है उसको लगा के इसको, दोनों साइड से इसको लगाने का ऑप्शन रहता है, किसी एक साइड से फिलहाल लगा दो, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको का ये हार्ड डिस्क का इसमें कैबिनेट में लगा दिया, इसका जो अपना स्लॉट है। और उसी तरह ये जो हो गया डीवीडी ड्राइव, ध्यान रखना इसको लगाते समय इसको अंदर से नहीं बाहर से डालना पड़ता है, उसके लिए बाहर से इसका एक स्लॉट तुम लोग खाली कर लेना। मैंने ये स्लॉट खाली करके रखा है, बाकी स्लॉट भी तुम खाली कर सकते हो, इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करो, ये स्लॉट भी निकालेगा, देखा ना, तो तुमको जहाँ चाहे वहाँ पर लगा सकते हो। ये दो स्लॉट अगर ये इसमें लगाना है तो इसमें लगाओ, यदि इसमें लगाना है तो मैं इसको डाल देता हूँ फिर से अगर, ठीक है। तो ये जो स्लॉट है ये मैंने इसको अपना पोजीशन में डाल दिया।
और इसको लगाने के लिए क्या करना है, इसको अंदर से डालना है, ठीक है, इस तरह से, बाहर से डालना है सॉरी, इस तरह से डीवीडी ड्राइव को मैं इसको बाहर से प्रेस करता हूँ, और इसका भी यहाँ पे स्क्रू का पॉइंट मिल जाएगा, तो किसी एक में इसको स्क्रू लगा दो, ठीक है भैया, छोटा सा इसको दे दो मुझे, तो ये मैं इसका स्क्रू यहाँ से इसको लगा देता हूँ, तो नहीं मैंने एक लगाया, तुम लोग तीन मैक्सिमम दो तीन में लगा देना, नहीं तो लूज होगा, मैंने अभी फिलहाल एक ही लगा के रखा है, ठीक है, चलो ये हो चुका है। अभी हम लोग इसका केबल कनेक्शन समझते हैं, जैसे SMPS का मेन पावर केबल मदरबोर्ड किया है, तो ये DVD ड्राइव ये हार्ड डिस्क दोनों को पावर की जरूरत पड़ेगा, बिना पावर के चलेगा नहीं, पावर के लिए यहाँ पे SMPS के पावर केबल आएगा, तो ये दोनों ही डिवाइस SATA डिवाइस, मैंने उनको थोड़ा देर पहले दिखाया था SATA डिवाइस का कैसे होता है कनेक्टर, तो ये हो गया SATA पावर केबल, ये हो गया IDE पावर केबल, फिलहाल ये दोनों SATA है, तो मुझे अभी दो SATA डिवाइस के लिए दो पावर केबल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास दो पावर केबल है कि नहीं, दो पावर केबल है, ठीक है, चलो तो मैं जस्ट अभी हार्ड डिस्क का ही कनेक्शन करता हूँ, तुमको दिखाता हूँ हार्ड डिस्क का कनेक्शन करते हुए। देखो यहाँ पे जो ये हार्ड डिस्क का दो ये SATA कनेक्टर हो गया, इसमें जो बड़ा वाला है वो पावर के लिए, छोटा वाला डाटा के लिए, ठीक है, तो हम लोग इसको कहाँ पे लगाएंगे, इसको हम लोग लगाएंगे ये जो SMPS जो SATA पावर केबल आ रहा है उसको हम लोग SATA वाला ऑप्शन में डाल देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, ये मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसका होगा डाटा कनेक्शन, हार्ड डिस्क का डाटा कनेक्शन मदरबोर्ड के साथ होगा, मदरबोर्ड का यहाँ पे तीन चार, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे चार क्या है, SATA स्लॉट है, कैन यू सी हियर, दीज आर फोर SATA स्लॉट्स, इसमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे भी एक SATA स्लॉट है जो कि उसका उसका फेस जो है उस साइड में है, तो दिखेगा नहीं, एक ही इस तरह का ही स्लॉट होगा, ठीक है, तो ये जो केबल है इस केबल का एक साइड तुम इन चारों में से किसी एक में लगा दो, या तो यहाँ पे लगा दो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा है इसको, ठीक है, बात एक ही है, और इसका जो अदर एंड होगा वो एंड तुम कहाँ पे लगाओगे, या तो तुमको हार्ड ड्राइव में लगाना है, यहाँ पे लगाना है, इट्स अप टू यू, फिलहाल हम लोग हार्ड ड्राइव का कनेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग हार्ड ड्राइव को मैं इसको लगाएंगे, ये हार्ड ड्राइव के साथ इसका क्या होगा, डाटा कनेक्शन होगा, ध्यान रखना कोई भी डिवाइस का डाटा कनेक्शन होगा मदरबोर्ड के साथ, और पावर कनेक्शन होगा किसके साथ, SMPS के साथ, तो पावर कनेक्शन में दे दिया मैंने, अभी डाटा कनेक्शन होना चाहिए, तो इसका भी कनेक्शन यहाँ पे डाल देंगे, जो छोटा वाला पोर्ट है उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया बात, छोटा वाला जो उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो ये मैंने दोनों का कनेक्शन, ये हार्ड ड्राइव के लिए मैंने डाटा कनेक्शन, ये डाटा कनेक्शन हो गया और ये हो गया पावर कनेक्शन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हार्ड डिस्क अभी डीवीडी ड्राइव को मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, उसका भी यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए कनेक्शन वही होगा, सेम होगा, कनेक्टर सेम है तो कनेक्शन भी सेम होगा, हो गया बात। अच्छा, उसके बाद और क्या रह गया, मदरबोर्ड को और एक पावर कनेक्शन देना पड़ेगा, जो कि हो गया तुम्हारा 12 वोल्ट पावर कनेक्टर, ये जो छोटा वाला केबल होता है ये स्पेशली 12 वोल्ट पावर कनेक्टर मदरबोर्ड के लिए होता है, इसके थ्रू CPU का पावर मिलता है, तो CPU को पावर प्रोवाइड करने के लिए इसका जरूरत पड़ता है, तो ये जो है यहाँ पे और एक तुम कनेक्टर दिख रहे हो 8 पिन वाला, किसी में 6 पिन वाला होगा, किसी में ये 4 पिन वाला होगा, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे लगा देना है इसको, ये इस साइड से लगाना है, देखो तुमको अभी डाउट है कौन सा साइड से लगाना है, देखो यहाँ पे एक जो है ये थोड़ा राउंड टाइप का है, देखा ना, ये राउंड टाइप का है कि नहीं, थोड़ा हल्का सा ऊपर की तरह, और यहाँ पे देखो एक होल, यहाँ पे देखो राउंड टाइप का है, तो ये इस साइड से होगा, समझ में आ रहा है ना, ये इस तरह से जब तुमको मैच करवाना है, जिधर से भी मैच हो रहा है उधर से डाल दिया, यहाँ पे मैच हो रहा है डाल दिया मैंने, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया, तो इसका मैंने मदरबोर्ड में दो पावर कनेक्शन कर दिया, एक मेन पावर कनेक्शन, एक हो गया CPU पावर कनेक्शन, ठीक है, और हार्ड ड्राइव भी मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई तो फिलहाल IDE डिवाइस नहीं है, तो IDE केबल का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। हाँ, एक बात है, यहाँ पे जो इसका बैक साइड में ये जो फैन लगा हुआ है, ये फैन का कूलिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए होता है, ये उसका हो गया पावर कनेक्शन फैन का, ठीक है, और ये जो हो गया ये IDE टाइप का पावर कनेक्शन है, इसको हम लोग कनेक्ट किसके साथ कर देंगे, यहाँ पे देखो इसको कनेक्शन करने के लिए आई थिंक यहाँ पे एक कन्वर्टर था, आ गया, तो उसको यूज करना पड़ेगा इसको कनेक्ट करने के लिए, बात करेंगे हम लोग उस सेम कनेक्शन का, ओ इस साइड में है, हाँ हाँ देखो इस साइड में है, सॉरी, तो इसका ये साइड, ये देखो ये IDE है ना, तो ये हो गया तुम्हारा, ये मेल टाइप ये फीमेल टाइप कनेक्शन है, हम लोग मेल टाइप को यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ये जो IDE का पावर कनेक्शन है ये इसको, या तो इसको जोड़ दो या तो इसको जोड़ दो, की बात है ये, ठीक है, तो ये मैंने इसको यहाँ से इस तरह से डाल दिया, ठीक है, तो इसको पावर मिल गया फैन को, फैन इस तरह से फैन चल जाएगा वहाँ से इसको फैन वोल्टेज, और ये जो केबल से इनको ध्यान में रखना है कि जब ये केबल हो, ये केबल को यहाँ पे CPU फैन में ना लगे, ठीक है, नहीं तो फैन में अटक जाएगा और फैन खराब हो जाएगा, तो इसको जब भी काम हो जाता है बाद में एक रबड़ से यहाँ पे इस तरह से बांध देना, ताकि ये, अभी तो मैं इसी को यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस तरह से कर दे रहा हूँ, तुम लोग इसे मत करना, एक रबर के थ्रू इसको बांध के रख देना, ताकि ये फैन में ना लगे, ठीक है,
और ये हो गया सीपीयू फैन का कनेक्शन। सीपीयू फैन का कनेक्शन मदरबोर्ड में जाएगा, मदरबोर्ड में बगल सीपीयू फैन के बगल में ही तुमको एक मिल जाएगा कनेक्टर। ये हो गया फैन कनेक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सीपीयू फैन लिखा हुआ है, कैन यू सी देयर सीपीयू फैन। और ये जो है वहाँ पे जाएगा, तो इसका चार पिन है, यहाँ पे चार होल है, तो बस मिलाते हुए इसको यहाँ पे अंदर डाल दो, ठीक है। हो गया सीपीयू फैन का कनेक्शन हो गया। और क्या रहेगा, रैम कनेक्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे चार चार रैम स्लॉट है, किसी दो में लगा सकते हो। ध्यान रखना इक्वल साइज का रैम लगाना है तुमको यहाँ पे। ये फिलहाल DDR रैम है, ये DDR3 है, तो यहाँ पे इसका वोल्टेज का रिक्वायरमेंट क्या है तुम लोग को पता है, मैंने लास्ट टाइम समझाया था। यहाँ पे नो पोजीशन को मैच करवाना है, यहाँ पे ये इसका नो पोजीशन है और इसका नो पोजीशन यहाँ पे है, तो मैच करवा के यहाँ पे पहले ये देखो रैम का दोनों साइड में ये लॉक होता है, इन लॉक को पहले खोल दो इस तरह से, ठीक है। इन लॉक्स को पहले इस तरह से खोल दो, और खोलने के बाद नो पोजीशन को मैच करके यहाँ पे मैच हो रहा है देखो, और ये मैंने मैच कराते हुए यहाँ पे इस तरह से एक बार बीच में से प्रेस मत करो, एक बार इस साइड में प्रेस करो, फिर अदर साइड में प्रेस करो, तो ये हो जाएगा लॉक, ठीक है। तो मेरे पास दो है, मैंने दो को ही लगा दिया, मैं चलो दोनों को ही मैं यहाँ पे इस तरह से ये कॉन्सेप्ट से इसी कॉन्सेप्ट से तुम लगा दो, ठीक है। तो मैंने ये रैम को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक हो गया बात। ये सर लगानी सर, मैंने उसको उल्टा पकड़ लिया, इधर से होगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे तुमको लास्ट टाइम मैंने समझाया था, ये जो PCI स्लॉट है उसका काम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ PCI एनेबल्ड कार्ड को लगाने के लिए। तो PCI कार्ड क्या हो सकता है, ऑडियो कार्ड, लैन कार्ड, USB कार्ड, वाईफाई कार्ड। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास ये PCI वाईफाई कार्ड है, इसको मैं कहाँ पे लगाऊंगा, PCI स्लॉट में। ये हो गया दो PCI स्लॉट है, इसमें से कोई एक यूज़ कर सकते हो, एक तो ऑलरेडी यूज्ड है, जो फ्री है उसमें मैं इसको लगा देता हूँ, इस तरह से इसमें यहाँ पे डाल दूँ, ये PCI स्लॉट हो गया, ठीक है। ये हो गया PCI वाईफाई कार्ड, ठीक है। और इसका यहाँ पे स्क्रू होता है, इसको यहाँ पे हम लोग स्क्रू से इसको फिट कर देंगे, टाइट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक स्क्रू दे दो यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम लोग इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले नहीं, ठीक है। दरअसल अभी यहाँ पे ये PCI Express 16 स्लॉट है, ये मोस्टली तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड के लिए होता है, अभी फिलहाल मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड को जो होगा तुम्हारा उसको यहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। और जब भी यहाँ पे इस तरह से कार्ड लगाओगे, इसका बैक साइड में जो इसका कवर, इसको खोल लेना, जैसे ये वाला कवर अभी लगा हुआ है, अभी तो ग्राफिक्स कार्ड है नहीं, जब लगाओगे ये कवर खोल के ग्राफिक्स कार्ड को लगा देना, ठीक है। अच्छा ये हो गया फ्रंट पैनल, से ये हो गया फ्रंट पैनल, इसको बोलते हैं फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल में तुम्हारा क्या होगा, हार्ड डिस्क लाइट, पावर लाइट, पावर बटन, हेडसेट बटन, ठीक है। और अगर यहाँ पे तुम्हारा USB पोर्ट होता है तो USB का केबल रहेगा, ऑडियो होता है तो ऑडियो का केबल यहाँ पे आएगा, फ्रंट पैनल से ये सब केबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये फ्रंट पैनल से ये सब केबल आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है देखो ये क्या केबल है, ये USB का केबल है, मतलब फ्रंट का जो USB है, इसका जो USB है, ये केबल USB का ये केबल है, और इसका मदरबोर्ड में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या है देखो, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये देखिए ऑडियो लिखा हुआ है, मतलब फ्रंट का जो ये तीन ऑडियो पोर्ट है उसका कनेक्शन है। ये क्या लिखा है देखो, ये क्या लिखा है, पावर SW मतलब स्विच, मतलब ये जो पावर स्विच है इसके लिए ये केबल है। ये क्या लिखा है देखो, ये क्या लिखा है, रीसेट SW, रीसेट मतलब रीसेट बटन, रीसेट स्विच के लिए, यहाँ पे जो फ्रंट का जो रीसेट स्विच है वहाँ पे है, देखना तुम लोग यहाँ पे, वो रीसेट स्विच के लिए, ठीक है। अच्छा हाँ ऊपर में था रीसेट स्विच। अच्छा फिर यहाँ पे देखो ये HDD LED मतलब हार्ड डिस्क LED, हार्ड डिस्क लाइट के लिए, ये हार्ड डिस्क लाइट, फ्रंट में जो तुम्हारा रेड लाइट जलता है वो हार्ड डिस्क का होता है। फिर यहाँ पे क्या है देखो, ये दो देखो, ये छोटा वाला दो क्या है, ये दो छोटा वाला दो पावर रेडियो मतलब पावर लाइट, जो ग्रीन कलर का होता है वो पावर रेडियो का होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब का हम लोग कनेक्शन कहाँ करना पड़ेगा, इसका फ्रंट पैनल मदरबोर्ड का जो फ्रंट पैनल कनेक्टर हो गया, कौन सा है देखो, कॉर्नर में देखना, हर मदरबोर्ड का कॉर्नर में होता है ये, यहाँ पे देखो ये कॉर्नर में है, ये मैं थोड़ा इसको इस तरह दिखाता हूँ, ये हो गया ये पूरा का पूरा क्या है, फ्रंट पैनल, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है F पैनल का मतलब क्या है, फ्रंट पैनल, ये लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे F पैनल लिखा हुआ है, ये फ्रंट पैनल है। तो फ्रंट पैनल का कनेक्शन कैसे होगा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा पॉज करो। अभी देखो यहाँ पे मुझे तुमको समझाना है फ्रंट पैनल का कनेक्शन कैसे करना है, हालांकि ये थोड़ा अंदर है तुमको दिखेगा नहीं, इसीलिए मैंने अलग से दो बोर्ड ले लिया, ये तो किसी एक बोर्ड में दिखा दूँ तुम लोग को कैसे होता है नॉर्मली। अच्छा किसी भी मदरबोर्ड में फ्रंट पैनल को तुमको कैसे समझ में आएगा कि वो फ्रंट पैनल है, देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कॉर्नर में देखना, ये इसका कॉर्नर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका फ्रंट पैनल, ठीक है, ये इसका हो गया फ्रंट पैनल, मैं समझा रहा हूँ। अगर इस मदरबोर्ड में देखोगे इसका फ्रंट पैनल कौन सा है, अगर यहाँ पे देखोगे कॉर्नर में देखो, या तो इस कॉर्नर में, या तो इस कॉर्नर में, या तो इस कॉर्नर में, यहाँ पे देखो ये कॉर्नर है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो क्या, फ्रंट पैनल लिखा है कि नहीं यहाँ पे, फ्रंट पैनल, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर यहाँ पे समझा दूँ, अभी हर फ्रंट पैनल में कनेक्शन कैसे होगा उसका यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ रहता है, समझो। अभी देखो
थोड़ा यहाँ पे लाइट दो। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, थोड़ा बैंड हो गया था, मैं सीधा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रंट पैनल, देखा कि नहीं? तो मतलब इसका कनेक्शन का तुमको यहाँ पे डायग्राम देके रखा है कि यहाँ पे देखो, ये देखो ये लिखा है, देखो कि पिन नंबर दिया हुआ है, ठीक है? पिन नंबर देख रहे हो ना, पिन नंबर्स, पिन नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो पिन नंबर का काउंट कैसे होगा, पिन 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो यहाँ पे आओ, अभी यहाँ पे वन कौन सा होगा, ठीक है? लाइट थोड़ा दो यहाँ पे, वन सीधा से लाइट इधर से दो, यहाँ पे इसका शेडो आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे इसका पिन काउंट वन हमको दिखा, अभी काउंट वन कौन सा होगा हम लोग को पता करना है, ठीक है? तो देखो काउंट, पिन काउंट वन कौन सा होगा वो दिखने के लिए, वन मतलब कहाँ से शुरू करना है, कहीं ना कहीं हम लोग को एक इंडिकेशन मिल जाएगा काउंट को शुरू करने के लिए, ठीक है? जस्ट वेट, ये जो है इसका जो ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है? ये जो बॉर्डर लाइन है नीचे दिख रहा है ना व्हाइट कलर का बॉर्डर लाइन, यहाँ पे ये साइड में आना पड़ेगा तुमको, थोड़ा मोबाइल कैमरा को इधर पे लाओ। यहाँ पे देखो ये थोड़ा यहाँ पे एक डार्क कर किया हुआ है इस बॉर्डर को, ये जो बॉर्डर थोड़ा मोटा है यहाँ पे इस कॉर्नर पे, दिख रहे हो ना? समझ में आ रहा है बात? ये वाला थोड़ा, ये देखो ये थोड़ा व्हाइट में थोड़ा इसको मोटा करके रखा गया है, मतलब ये पिन काउंट वन शुरू होगा यहाँ से, ठीक है? तो इसके हिसाब से क्या होगा, 1 2 1 2 नीचे में 2 3 4। तो अगर ये 1 हुआ इसका नीचे 2, ये 2 होगा, ठीक है? 1 2 और फिर 3 4, मतलब ये 3, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, समझ में आ रहा है बात? 1 2 फिर 3 4, ठीक है? उसके बाद देखो 1 2 के नीचे क्या है, 5 एंड 6, मतलब ये हो गया 1 2, इसके नीचे हो गया 5 6, ये 5 6 और फिर 7 8, मतलब ये हो गया 7 8, समझ में आ रहा है बात? क्लियर? ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, डन हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 1 और 3 किसके लिए है, 1 और 3 HD LED हार्ड डिस्क लाइट के लिए है, 2 एंड 4 किसके लिए है, पावर LED पावर लाइट के लिए है, 5 एंड 7 किसके लिए है, रीसेट के लिए है, 5 एंड 7, 6 और 8 किसके लिए है, पावर बटन के लिए। तो उस तरह से लगाना पड़ेगा केबल को, समझ में आएगा? फिर यहाँ पे देखो थोड़ा अलग अलग होता है, बस एक बार कौन सा समय में समझ में आ जाएगा तुमको। यहाँ पे देखो तो इसका फ्रंट पैनल कौन सा होगा, तो नो डाउट यहीं पे होगा, ठीक है? इधर पे तो मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है को कनेक्टर कोई भी, तो यही होगा, ठीक है? इसको थोड़ा मैं यहाँ पे साफ कर लेता हूँ, ये थोड़ा कचरा हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर, लिखा हुआ है अच्छा, हाँ ये देखो अभी जो फ्रंट पैन है उसका कनेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे उसका इंडिकेशन देकर रखा है। देखो ये लिखा हुआ है, देखा ना, 1 3 2 4 दिख रहे हो ना, यहाँ पे डायग्राम देखे रखा है यहाँ पे इसका, 1 3 2 4 5 7 6 8, 1 3। अभी यहाँ पे कौन सा वन होगा, ये देखो डार्क कलर में व्हाइट दिया हुआ ये, ठीक है? तो ये पिन नंबर 1 होगा, तो 1 3 मतलब ये 1 और ये 3, फिर 2 4 मतलब ये 2 और ये 4, फिर 5 7 दिस इज 5 7, 6 8 दिस इज 6 एंड 8, ठीक है? तो 1 3 में क्या होगा, HD LED हार्ड डिस्क LED, 2 4 में क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है, SUS LED मतलब पावर LED, ठीक है? उसके बाद 5 7 रीसेट बटन के लिए हो गया और 6 8 पावर स्विच के लिए हो गया, क्लियर? तो इस तरह से तुमको देख के इसका कनेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से इसका कनेक्शन कर लेंगे, समझ में आ गया? ये जो फ्रंट पैनल है तो देख के तुम लोग बाद में इसका कनेक्शन कर लेना, मैंने तुमको समझा दिया। इसका बगल में लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा बगल में एक बॉर्डर ये बॉक्स बना के लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका बगल में ही बॉक्स बना हुआ है, देखो थोड़ा सा बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, तुम लोग ध्यान से बाद में देख लेना, ठीक है? ये हाँ इस बॉक्स में पूरा लिखा हुआ है, देखो अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है, तुम इस बॉक्स को ध्यान के देखते हुए ये सब केबल तुम लोग यहाँ पे लगा सकते हो आराम से, ठीक हो गया बात? तो इस तरह से फ्रंट पैनल का कनेक्शन कर लेना। हाँ फ्रंट पैनल में ये जो है इसमें USB का नहीं होता है, USB का अलग से होता है, तो यहाँ पे जो USB है बाकी सब तो हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो तुम्हारा पावर स्विच है उसमें ये दोनों लगा देना, पावर स्विच का 2 पिन है, जो हार्ड डिस्क का हार्ड डिस्क लाइट का जो 2 पिन है उसको इन दोनों को वहाँ पे लगा देना, रीसेट का जो पिन होगा उसको इसको वहाँ पे लगा देना, और ये जो हो गया तुम्हारा पावर LED है, ये पावर LED उसको पावर LED में लगा देना। तुमको समझा दिया मैंने कैसे होता है, उसके बाद ये तुम लोग बाद में लगा देना, ठीक है? अभी ये रिकॉर्डिंग में क्लियर नहीं आएगा। ये देखो ये हो गया क्या इसका USB, और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, देखो फ्रंट USB, F USB, ठीक है? फ्रंट USB, F USB 1, F USB 2,
तो मतलब फ्रंट का दो यूएसबी है कि नहीं इधर से, तो दो यूएसबी के लिए दो यहाँ पे यूएसबी कनेक्टर है। तो बस इसको लगा तो कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो एक होल कम है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है ना, एक होल कम है, एक होल यहाँ पे कम है, और वहाँ पे देखो एक पिन कम है, ये देखो। तो मतलब समझ में आ रहा है, ये पॉइंट ये साइड उधर जाएगा जहाँ पे पिन कम है। तो बस या तो फ्रंट यूएसबी वन पे लगाओ या तो टू पे लगाओ, तुम्हारा अपना मर्जी है, कहीं पे लगा सकते हो उसको। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रंट यूएसबी का कनेक्शन कर दिया। क्लियर हो गया बात? रह गया क्या, फ्रंट ऑडियो, ठीक है, ऑडियो लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रंट ऑडियो। और यहाँ पे देखो ये, देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो एफ ऑडियो लिखा हुआ है कि नहीं, एफ ऑडियो लिखा हुआ है। तो समझ में आ रहा है, इसको मिला के लगा देना, यहाँ पे एक होल कम है वहाँ पे एक पिन कम है, एडजस्ट करके लगा देना तुम लोग। क्लियर? तो यहाँ पे फ्रंट में जो भी है, पावर बटन, हार्ड डिस्क रिसेट बटन, हार्ड डिस्क लाइट, पावर लाइट, फ्रंट ऑडियो, फ्रंट यूएसबी, सब का हम लोगों ने कनेक्शन समझ लिया है, और अंदर का जो भी है उसका कनेक्शन तुम लोगों ने समझ लिया है। क्लियर हो गया? और उसके बाद तो और कुछ नहीं, इसका कवर को लगा दो और ये तुम्हारा असेंबलिंग कंप्लीट हो चुका है। बाकी तो उसमें सॉफ्टवेयर का बात आएगा, दैट्स ऑल।